हाय एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस प्लेडन के, ठीक है। हमें कई तरीके और भी बढ़ना है दोस्तों। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो प्लेडन ने दिया हुआ है, हमें रोल बताया हुआ है किसका, द रोल ऑफ लिविंग ग्रुप। दोस्तों इस कंसेप्ट के लिए, ठीक है, मैं कैरोथर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कैरोथर के कंसेप्ट भी इसके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि इसके साथ साथ हमारा जो कैरोथर के जो कंसेप्ट है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्या करिए, पेन और आपकी जो बुक्स है वो रेडी रखिए और पॉइंट नोट करते चलिए, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी आपको कंसेप्ट बता रहे हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछता है CSIR में, जैम में और गेट में, उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या दिया है पहली कंडीशन, क्या रोल बताया है लिविंग ग्रुप का, दोस्तों हमें बनाना क्या है इससे, ये कौन सा अमाइन है हमारे पास, टर्शियरी अमाइन है, मिथिल आयोडाइड के साथ हमने रिएक्शंस किए तो क्या बनेगा भाई, क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बनता है दोस्तों, क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ए वाला जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किस तरह से बनेगा, ठीक है। हम लोग ये मिटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे मिट देते हैं, और यहाँ बनेगा क्या हमारा, ए में ए वाली मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बनेगी हमारी, ये मेरा आ गया मिथाइल आ गया, और ये निगेटिव क्या आएगा, आयोडीन आएगा। अब यहां से आगे क्या होगा दोस्तों, अब हमें देखना क्या होता है, अल्फा और बीटा, ठीक है ना, जो कि हमने स्टार्ट में ही कहा था हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट में कि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए, और ये कंसेप्ट सभी के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे बीटा के ऊपर दो हाइड्रोजन है दोस्तों, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे बीटा पे, दो हाइड्रोजन दिए हुए है, ठीक है। अब रिएक्शन किस तरह से होंगी, ये तो आपका प्रोडक्ट सिंपल आ जाएगा, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आपको हॉफमैन और सिट्ज़ेफ़र नहीं लगाना है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से रिएक्शन जाएंगी। और रिएक्शन कहाँ से जाने वाली है, E1 से जाएंगी या E2 से जाएंगी, है ऑब्वियसली रिएक्शन जाने वाली है आपकी भाई E2 से जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है, देखो यहाँ पे कौन से वाले कार्बन से अटैच है, प्राइमरी क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, तो रिएक्शन कहाँ से जाएंगी हमारी, E2 से जाएंगी, E1 से पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि E1 के अंदर हमें स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए, यहाँ पे तो लिस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट आएगा दोस्तों क्या आने वाला है, ये इसका प्रोडक्ट आ गया बी में आ गया। अब मैं यहाँ पे कौन से कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, कैरोथर के, जो कि क्लेडन ने नहीं डिस्कस किया है। कैरोथर ने कहा है अगर आपके पास क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा, क्या कहा कैरोथर ने, ऊपर कैरोथर की पिक्चर भी आ रही है आपको, अगर आपके पास क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो मिलता है भाई हॉफमैन, कौन सा मिलता है, हॉफमैन का प्रोडक्ट मिलता है, हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। हॉफमैन एलिमिनेशन किसे कहते हैं, अल्किन कैसा होता है हॉफमैन का, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, ऐसा होता है दोस्तों हॉफमैन का प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स। तो जब भी आपको क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट अगर दिखेगा, ठीक है, रिएक्टर में, तो वहां पे हॉफमैन से ही हमारा एलिमिनेशन होगा, ये दिया है हमें कैरोथर में, ठीक है, साफ साफ कहा है अगर क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा तो आपकी रिएक्शन जाने वाली है भाई हॉफमैन एलिमिनेशन से, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स। अब जो सेकंड वाला जो इसका एग्जांपल था दोस्तों वो उसी के ऊपर दिया हुआ था कंसेप्ट। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे क्लेडन का, जो कि दिया है, जो हमने अभी इराइज किया था थोड़ी देर पहले, क्या था क्वेश्चन, वो कुछ इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे था, यहाँ दो मिथाइल थे और यहाँ था मेरा Me3 प्लस चार्ज, क्या आ गया अब ये भाई बन गया मेरा क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्लियर। अब जो बेस दिया है यहाँ पे कंडीशंस क्या दिया है, H2O और हीट, कंडीशंस क्या दिया है, H2O और हीट दिया है। अब ये कार्बन कैसा है दोस्तों, जो क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट अटैच है, ये कौन सा कार्बन है भाई मेरे, टर्शियरी, कैसा है ये टर्शियरी कार्बन है, यानी कि रिएक्शंस कहां से जाएंगे फिर, E1 या E2, E1 से जाएंगी, रिएक्शंस कहां से जाएंगी हमारी, E1 से। तो जब ये जाएगा क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट बाहर, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट, जो कि मिलता है इंटरमीडिएट किसमें भाई, E1 के अंदर, कौन सा मिलता है, कार्बो
कैटायन वो भी टर्शरी स्टेबल मिल गया, टर्शरी है स्टेबल है ठीक है। अब सेकंड कंसेप्ट बीटा वाला। अब देखो दोस्तों ये जो अल्किन बन रहा है क्लेडन ने यहाँ का निकाला है हाइड्रोजन ठीक है, यहाँ का नहीं निकाला है, यहाँ का नहीं निकाला है और उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, वजह नहीं बताया है उसने वहां पे ठीक है। तो हम लोग इसके लिए कौन सा कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, हमारा कैरोथर वाला। कौन सा कंसेप्ट भाई मेरे, कैरोथर वाला कंसेप्ट। कैरोथर ने क्या कहा, अगर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा, अगर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा तो रिएक्शन जाएंगी हॉफमैन से। रिएक्शन कहां से जाएंगी, हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हॉफमैन क्या कहता है, क्या कहता है हॉफमैन, क्या लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स का जो अल्किन मिलेगा, चाहे आप यहाँ का हाइड्रोजन लो या यहाँ का, एक ही है ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा कुछ इस तरह से आता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड आपको मिलता है अल्किन, ये वाला मेजर मिलेगा ये वाला, और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हॉफमैन, जो कि क्लेडन ने ये डिस्कस नहीं किया है, ये हमें कैरोथर में डिस्कस किया हुआ है पॉइंट ठीक है। हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट ठीक है दोस्तों। और ये मिलेगा हमें एक माइनर वाला, एक कौन सा मिलेगा, अब यहाँ पे भी बीटा है भाई मेरे ठीक है, यहाँ पे भी बीटा वाला हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है मेरा। और E1 के लिए सिस ट्रांस की कंडीशन नहीं होती है, लेकिन ये यहां से नहीं जा रहा है, ये यहां से नहीं जा रहा है ठीक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा मेरा माइनर। अब क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से, आपको ये पता होना चाहिए क्यों नहीं जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्लेडन ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया ये एग्जाम्पल के टाइम। आप लोग देख सकते हैं वहां पे क्लेडन का चैप्टर नंबर 70 ठीक है, वहां पे देख सकते हैं इस वाले प्रॉब्लम पे जाओ चेक करो कुछ रीजन दिया है क्या, रीजन वहां पे मेंशन नहीं किया है। तो वो जो रीजन है उसका वो है कैरोथर ने डिस्कस किया है, अगर अमोनियम सॉल्ट हुआ क्वार्टरनरी तो मेरा जो रिएक्शन जाएंगी हॉफमैन एलिमिनेशन से जाएंगी, इसका प्रोडक्ट आएगा दोस्तों लेस वाला जाएगा और रिएक्शंस E1 एलिमिनेशन। क्लियर हो गया ठीक है, आगे बढ़ना है। तो हम लोग जो कैरोथर ने पॉइंट्स दिया है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे क्लेडन के पॉइंट्स की ओर। अब क्लेडन के पॉइंट्स की ओर, अब जो कैरोथर ने डिस्कस किया है दोस्तों पॉइंट्स क्या दिया है, देखो कैरोथर ने एग्जांपल दिया है कुछ इस तरह का, यहाँ पे यहाँ दिया है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ठीक है CH3 और यहाँ पे CH3। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा इसको, अब रिएक्शंस कहाँ से जाएंगी भाई, KOH हीट कंडीशन दिया है, कुछ मेंशंस किया है उसने टेम्परेचर, लेकिन मैं हीट का सिंबल मेंशंस कर रहा हूं। अब मेरे पास कितने बीटा कार्बन है यहाँ पे, ये देखो ये एक अल्फा हो गया, ये एक अल्फा वाला हो गया, और ये बीटा हो गया है, और एक ये बीटा हो गया ठीक है, ये 1 2। अब ये अल्फा तो यहाँ पे भी मेरा बीटा हो गया, ये बीटा 3। अब रिएक्शंस क्या है भाई, कौन सा है मेरे पास, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है तो क्या कह रहा है कैरोथर, साफ साफ लफ्जों में जो प्रोडक्ट मिलेगा आपका हॉफमैन एलिमिनेशन मिलेगा भाई, ये याद रख लो दोस्तों, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट आएगा तो प्रोडक्ट मिलने वाला है हॉफमैन का। आई थिंक ये CSIR में पूछा गया है क्वेश्चन 17 या 16 में कुछ पूछा गया है क्वेश्चन से ठीक है, आई थिंक 17 या 16 में पूछा गया क्वेश्चन से, तीन क्वेश्चन दिया था, तीन ऑप्शंस थे हमें और पूछा था कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन कौन कौन देगा, 18 या 17 में क्वेश्चन पूछा है CSIR में। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, लेस हॉफमैन कैसा होता है हमारा, हॉफमैन का लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड होता है प्रोडक्ट अल्किन। तो अब ये बीटा से लो चाहे ये बीटा से लो, आप किसी से भी ले सकते है ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा हम लोग यहाँ से लेंगे, CH2 कर रहा हूं मैं और ये हाइड्रोजन। तो अब जब रिएक्शन होंगी तो E1 से जाएंगी या E2 से जाएंगी, ऑब्वियसली ये जाने वाली है E1 से, क्योंकि कौन सा है, कौन से कार्बन को अटैच है, ये टर्शरी, कौन सा कार्बन है दोस्तों, ये टर्शरी कार्बन है। तो पहले इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा मेरे पास, पहले क्या मिलेगा मुझे, इंटरमीडिएट मिलेगा मुझे 1 2 3 1 2 3। तो इंटरमीडिएट जो मिलेगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटरमीडिएट, ये मेरा मिल गया मुझे इंटरमीडिएट, ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट निकल गया यहाँ से। क्लियर हो गया। अब
चाहे तो ये हाइड्रोजन्स लो चाहे ये बीटा लो, कोई भी लो, यहाँ पे हम लोग कोई भी हाइड्रोजन्स ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही जो है हमारे मिथाइल ग्रुप ही है, सिमेट्रिकल बीटा हाइड्रोजन है। जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा था क्या दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन होते हैं, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल, तो ये बीटा हाइड्रोजन सिमेट्रिकल हो गया और ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। इसके पास टू हाइड्रोजन है और इथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे दो मिथाइल है, तो उस टाइम पे हम लोग सिटजेफ और हाफमैन का कंसेप्ट लगाते हैं, हमने स्टार्ट में बताए थे आपको। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्यों हो रहा है लेस पे, क्योंकि है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट और हाफमैन देता है, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्लेडन के कंसेप्ट की और। अब क्लेडन ने क्या कहा है दोस्तों, एक पॉइंट दिया है क्या OH एज नेवर गुड लिविंग ग्रुप, जो कि आप हर वीडियो में आपको बोल रहे हैं कि जो OH होता है आपका वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, हमें उससे बनाना पड़ता है। तो हमने ले लिया यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल जैसा कि लिया है क्लेडन ने, और एक में डाले हमने मिसिटिल क्लोराइड MSCL जनरली कहा जाता है फॉर्मूला, मिसिटिल क्लोराइड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारा TSCL टॉसिल क्लोराइड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ होगा बेस और यहाँ पे भी होता है हमारा बेस ट्राइथिनामाइन और यहाँ पे प्रीडीन। क्या मिलता है वाई प्रोडक्ट हमें मिलता है OMS और यहाँ मिलता है हमें ROTS। अब ये दोनों ही जो है दोस्तों ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, दोनों ही क्या है ये गुड लिविंग ग्रुप। अब हम OH को इनके जरिए भी निकाल सकते हैं, कन्वर्ट कर लिया हमने गुड लिविंग ग्रुप में, ठीक है, एक OMS बना दिए, एक OTS, एक टॉसिल बना दिए, एक मिसिटिल बना लिए, ठीक है। अब क्या दिया है देखो, रिएक्शंस क्या दिया है, यही वाली रिएक्शन डिस्कस करना है हमें, कौन सी है रिएक्शंस, यहाँ रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग, हमारे पास दिया हुआ है बेंजीन 1, 2, 3 OTS आ गया भाई, OTS आ गया, टॉसिलेट दे दिया उसने, किससे बना कैसा बना तो वो भी अगर पूछा है एग्जाम में, अगर बेसिक्स नीचे से ले लिया एकदम रिएक्टेंट अगर पूछा ये किस तरह से बना, अगर वो स्टेप दे दिया है तो हमें वो भी मालूम होना चाहिए कि ये बन किस तरह से रहा है। OH ले लिया हमने, क्या देगा, टॉसिल क्लोराइड देगा भाई प्रीडिंग के साथ, ये बना लिया आपने, बन गया कंडीशन आ गया, क्लियर हो गया। अब दिया है आपको बेस, कैसा वाला दिया है, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ताकि आपको हिंट मिले साइज कैसा है इसका, टर्शियरी बुटॉक्साइड्स कैसा है साइज, बड़ा साइज है, लार्ज साइज है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे E1 हो सकता है क्या, बेंजाइलिक है क्या, वो बेंजाइलिक नहीं है भाई, बेंजाइलिक ये है, बेंजाइलिक ये है, तो बेंजाइलिक भी नहीं है। और कैसा है, E1 है, E1 बढ़ाऊ प्राइमरी है, कैसा है प्राइमरी, कार्बन से अटैच है आपका OTS। अब बीटा के ऊपर हाइड्रोजन है क्या, देखते हैं, ये अल्फा और ये बीटा है भाई, हाइड्रोजन भी है बीटा पे, तो क्या होगा, रिएक्शन जाएंगी कौन से वाली थ्रू से जाएंगी, E2 से जाएंगी, कौन से रिएक्शन के थ्रू जाएंगी, E2 के थ्रू जाने वाली है, क्लियर हो गया दोस्तों। क्यों जा रही है E2 से, क्योंकि प्राइमरी कार्बन से अटैच है आपका OTS यहाँ पे दिया हुआ, E1 से नहीं जाएंगी, E1 में हमें इंटरमीडिएट मिलता है जो कि कार्बोकैटायन होता है, और हमें इंटरमीडिएट कैसा चाहिए, स्टेबल टर्शियरी चाहिए, बेंजाइलिक चाहिए या अलाइलिक चाहिए, हमने इससे पहले के लेक्चर में ही डिस्कस किए है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की और। दोस्तों आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको तो वो पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेना है आज ये थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, OTS ये OR, ये क्या है दोस्तों, ईथर, OR आ गया हमारे पास, DBU, इससे पहले हमने देखे DBU का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इस तरह से होगा DBU का स्ट्रक्चर दोस्तों, हमारे लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किए है DBU के बारे में, बेस इलिमिनेशन रिएक्शंस किए है उसके साथ, ठीक है। अब क्या देखना है फटाफट बोलो, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, बीटा पे क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, है एक हाइड्रोजन है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। E1 होंगी या E2 होंगी, E2 होने वाली है, क्यों, ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है, ये जो अटैच है भाई
किससे अटैच होती है आपका प्राइमरी कार्बन से। तो क्या होगा डीबीयू क्या करेगा प्रोटॉन लेगा यहाँ से इस तरह से इसका ओटीएस को बाहर यानी रिएक्शंस ई टू से प्रोडक्ट क्या आएगा। इजी है कि नहीं दोस्तों? बहुत इजी है भाई, बहुत ही इजी है। ये आ गया मेरा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड वाला डिस्कस करते हैं। थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में क्या दिया है भाई, थर्ड वाला डिस्कस करना है। अमाइड का लिंकेज दिया है, साइक्लिक अमाइड। मिथाइल आ गया यहां पे OH और यहां दिया है R ग्रुप, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है पहले दोस्तों, MSCl मिसिटिल क्लोराइड, क्या होंगी रिएक्शंस? फास्ट कहो रिडीन या ट्राइथिनामाइन लेंगे, ET3N लेंगे। ऐसा क्या होने वाला है भाई, गुड लिविंग ग्रुप ट्रांसफर होने वाला है, करना है यहाँ पे, कर दिया यहाँ पे, ओपीएस बन गया। चलो आगे सर, ये समझ गया, ठीक है, समझ गया भाई, ओके। चलो आगे, यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ओ एम एस बन गया, यहाँ पे एच आ गया, क्या मिथाइल आ गया इसके पास। अब क्या दिया है सेकंड कंडीशन में, डीबीयू बेस दिया है, बीबीयू क्या करेगा बोलो फटाफट, क्या करने वाला, रिएक्शंस कहां से जाएंगी, डीबीयू दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये जो है यहाँ पे मिथाइल है, ये यहाँ क्या है मिथाइल दिया हुआ है किरण में। उसके स्ट्रक्चर हमें याद करना होता है भाई, इसलिए हम पहले यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दिमाग में, पूरे क्वेश्चन तो हम लोग याद नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोग साइड में पहले क्या करते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, चल बोलो जल्दी से, डीबीयू दिया है, क्या करना है, एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पे है, यहाँ पे है, एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पे है, यहाँ पे, और कैसा है इसको, कैसा है इस गुड लिविंग ग्रुप को, ट्रांस है, ये अप से तो कैसा है डाउन से, कैसा है ट्रांस से, यानी रिएक्शंस कौन से होंगी फिर, E1 या E2, ट्रांस किसमें पॉसिबिलिटी होती है, E2 में, किसमें होती है, E2 में होती है, तो रिएक्शन कहां से जाएंगी आपकी, ये E2 से जाएंगी। डीबीयू क्या करेगा, प्रोटॉन खींचेगा और OMS को बाहर करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है मेरे भाई क्या आएगा, ये मिथाइल आ गया, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे मिथाइल और ये कीटो, ठीक है, ये आर ग्रुप आ गया। यहां तक के क्लियर हो गया, कोई डिफिकल्टी किसी को नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों क्या है हमारा अगला वाला प्रॉब्लम, जिस तरह से दिया हुआ है हमें, ये जो मॉइटी है दोस्तों, ये वाली मॉइटी क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये है हमारा एसीटाल, क्या करता है एसीटाल, किस तरह से बना हुआ ये एसीटाल आपका, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। अगर मान लो हमें दे दिया है एग्जाम्स के अंदर कुछ यहाँ से करने के लिए दिया है अगर हमें क्वेश्चन दोस्तों, तो हमें ये भी आना चाहिए, ये OMe आ गया हमारे पास, और हमारे पास है यहाँ पे डायोल ऊपर, ठीक है, ये हो गया डायोल। अब दोस्तों ये भी डायोल है, देखो 1 2 ये भी डायोल है यहाँ पे, लेकिन हमने जो रिएक्शंस किए कीटोन के साथ एसिडिक कंडीशंस के अंदर, ठीक है, तो ये वाला प्रोटेक्टेड नहीं होगा इस तरह से, डायोल बता रहा है ना, यही क्यों हुआ कि ये कैसा है दोस्तों, ये टर्शरी है, ये कैसा है टर्शरी अल्कोहल है, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रंस भी, इसलिए जो प्रोटेक्शन होगा कीटोन का ये 1 और ये 2, ठीक है, ये भी कैसा होगा सेकेंडरी अल्कोहल है और ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, तो जो प्रोटेक्शन होगा आपका, ये जो मॉइटी मिलेगी ये इन इससे मिलके, ये वाली मॉइटी मिलेंगी, ये यहाँ पे इस तरह से एसिटाल फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे उसने दिया क्या है दोस्तों, रिटर्न में क्या डिस्कस किया है उसने, उसने हमें बताया है अगर हम ये मॉइटी के ऊपर, हमें तो करना क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, राइट, हमें अल्किन फॉर्मेशन करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एसिडिक कंडीशन यूज करते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एसिडिक कंडीशन अगर हमने यूज किए तो क्या होगा, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। पहली कंडीशन एसिडिक अगर हमने लिए तो ये रिएक्ट कर सकता है भाई, ठीक है ना, ये जो दिया है यहाँ पे हमें OMe इथर, ये रिएक्ट करके ये अल्कोहल फॉर्मेशन हो सकता है, पहला ये डिसएडवांटेजेस, जबकि हमको करना क्या है, हमें इस अल्कोहल से क्या बनाना है अल्किन फॉर्मेशन करना है, तो ये भी रिएक्शन कर सकता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये जो है दोस्तों, ये एसिटाल ये होता है आपका एसिड सेंसिटिव, ये कैसा होता है एसिड सेंसिटिव होता है ये एसिटाल आपका, इसलिए
हम लोग यहाँ पे एसिडिक कंडीशन से एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे हम लोग, इस वाले कंडीशन से मिसिटिल क्लोराइड लेंगे, OH को क्या करेंगे गुड लिविंग ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे, जिस तरह से क्लेडन ने बनाया है, ठीक है। और लिखा क्या है, ये जो मॉइटी जो मिलती है हमें ये नॉट आइसोलेटेड है दोस्तों, ठीक है, ये नॉट आइसोलेटेड बताया हुआ है क्लेडन में। कौन सी वाली मॉइटी होंगी, तो कुछ इस तरह से ये मॉइटी जो मिलती है हमें वो होती है नॉट आइसोलेटेड। OMS हो गया मेरा OMS, और ये OME as it is आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया है कंटिन्यू रिएक्शन में, MSCl ट्राइथिल अमाइन। अब क्या हुआ यहाँ पे, कौन सा वाला है हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप, ये वाला दिया है गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो रिएक्शंस क्या होंगी यहाँ भाई, अब ये मेरा मिल गया यहाँ पे, अब ये मेरा मिल गया अल्कीन एज ए प्रोडक्ट, हो गया क्लियर दोस्तों। ये OME हमने क्यों नहीं लिए, एसिडिक कंडीशंस अगर हम लेते तो ये OME जो इथर है ये अल्कोहल बन जाता, ये एक हमें साइड रिएक्शन मिलती, और दूसरा जो ये एसिड कैटालाइज है हमारे पास एसिटाल, ये भी यहाँ पे रिएक्शंस कर लेता, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों हमारे क्लेडन के नेक्स्ट कंसेप्ट की और, आगे बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिया है क्लेडन ने, हम उसे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों क्लेडन ने जो अगला कंसेप्ट डिस्कस किया है वो क्या किया है, रिएक्शंस कैन बी स्टेरियो सेलेक्टिव। तो हमें यहाँ पे रिएक्शंस कंडीशंस देखना है, हमारा जो अल्कीन बनेगा वो कौन से वाला बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए, ठीक है। तो जो पहली वाली मॉलिक्यूल दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें तो दोस्तों कोई चांसेस ही नहीं है, एक ही रूट है हमारे पास और एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ओनली सिंगल प्रोडक्ट मिलने वाला है। कौन सा मिलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी, ठीक है। और कहां से जाएंगी, E1 से जाएंगी क्योंकि टर्शियरी है दिया हुआ एसिडिक कंडीशन से। और जो हमारे पास बीटा कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन है दोस्तों, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ भी हमारे पास मिथाइल है, यानी सिमिट्रिकल है। और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है हमारे वो कैसे दोस्तों, सिमिट्रिकल है। तो होंगी क्या रिएक्शंस, पहली कंडीशंस में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट बना रहा हूं मैं, डायरेक्ट इंटरमीडिएट बनाऊंगा मैं, H2O लॉस कर दिए हमने यहाँ पे, जो हमारा मिल गया इंटरमीडिएट, कौन सा वाला मिला, टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो रिएक्शन कहां से जाएंगी, E1 से जाएंगी, ठीक है, इसलिए बताया उसने E1 रिएक्शन, क्या बताया E1। अब बीटा कार्बन तीन है हमारे पास, अब तीनों ही कैसे है, सेम सिमिट्रिकल है, ठीक है। तो ये मेरा मिल गया मुझे अल्कीन एज ए प्रोडक्ट, सिंगल आइसोमर, ओके, एक ही पॉसिबिलिटी है, वन पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे भी दोस्तों कैसी पॉसिबिलिटी है, तो ये फर्स्ट और सेकंड में जो पॉसिबिलिटी होंगी हमारी अल्कीन फॉर्मेशन की, सिंगल अल्कीन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। दूसरा वाला क्या दिया है यहाँ पे हमें, पीएच और OH क्या होगा, आप लोगों को पता है क्या होने वाला है, लॉस्ट हो गया आपका H2O, चला गया भाई मेरे, मैं कार्बोकैटायन बना रहा हूं। अरे कार्बोकैटायन कैसा बना दोस्तों, टर्शियरी बना और बेंजाइलिक, और कैसा है, बेंजाइलिक। क्यों बोल रहा हूं मैं बेंजाइलिक, क्योंकि ये पीएच ग्रुप के अल्फा पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है, तो बेंजाइलिक है और टर्शियरी है, ठीक है। तो यानी रिएक्शन किससे जाएंगी, फिर E1 से, E1 से किससे जाएंगी रिएक्शन भाई, E1 से जाएंगी। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ये जो बीटा कार्बन है इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, सिमिट्रिकल बीटा कार्बन है, और उस कार्बन के ऊपर हमारे जो हाइड्रोजन है वो सिमिट्रिकल है, सेम है। तो चाहे तो आप यहाँ से भी अल्कीन बनवा सकते हो या इधर से भी, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसा मिल रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट मिल रहा है भाई, इसमें हमारे पास चॉइस है क्या, चॉइस नहीं है, ओनली सिंगल आइसोमर्स मिल रहा है। अब चॉइस किसमें है, जिसमें चॉइस होंगी दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रेजियो आइसोमर्स या फिर रेजियो सेलेक्टिविटी। हमें सेलेक्ट करना होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला और मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला, जिसे हम लोग कहते हैं लेस वाले के लिए हॉफमैन एलिमिनेशन और मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले के लिए जो अल्कीन मिलता है उसे कहते हैं हम लोग सिट्ज़ेफ एलिमिनेशन, ठीक है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट दो एग्जाम्पल्स दिया है, अब उसमें हमारे पास चॉइस है दो अल्कीन फॉर्मेशन करने के, फर्स्ट जो बनेगा वो बनेगा मोर वाला और वो होता है मेजर, क्यों होगा मेजर। अब ये जो है दोस्तों एग्जांपल किसकी है, ये
ये रेजियो सेलेक्टिविटी के, ठीक है, रेजियो सेलेक्टिविटी। इसमें हमें क्या देखना होता है, जो हमारा प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड एल्किन मिलना चाहिए। किस तरह से मिलना चाहिए हमें, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड एल्किन मिलना चाहिए भाई। ये पॉइंट लिख लो आपके, इसमें आपके जो नोट्स है उसमें लिख लो, ठीक है। स्टेबल होता है, अब देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे भी दोस्तों ये जो अल्कोहल दिया है ये कैसा है भाई, मेरे प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्शियरी है, टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। क्या होगा, रिएक्शंस क्या होने वाली है भाई, लोन पेयर के थ्रू अटैक होगा अल्कोहल का। बनने वाला क्या है आपके पास, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लो, डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बनाते हैं हम लोग, एक स्टेप बच जाएंगे हमारी इतना लिखने के, ठीक है। कैसा बन गया कार्बोकेटाइन, टर्शियरी बन गया, कैसा बन गया, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया। रिएक्शन किससे जाएंगे, यानी फिर E1 से जाएंगी, किससे जाएंगी, E1 से। तो लिख दो यहाँ पे E1, ठीक है, E1 लिख दिए। E1 कैसी होती है, यूनिमोलिकुलर, मींस रेट किस पर डिपेंड होता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक पॉसिबिलिटी और यहाँ लिख रहा हूँ एक पॉसिबिलिटी। अब दो कौन कौन सी है, एक ये जो है यहाँ पे CH3, ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा और ये बीटा बोथ आर सिमेट्रिकल सेम, क्योंकि इधर भी CH2 इधर भी CH2 यहाँ पे सेम है, चाहे इधर से निकालो या इधर से निकालो, प्रॉब्लम किसमें है हमें, ये ऊपर वाले से, इस मिथाइल से। अब हम किसके तरफ जाएंगे, कौन सा हमारा जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो स्टेबल मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, रेजियो सेलेक्टिविटी में हमें क्या देखना होता है, क्या मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स एल्कीन हमारा क्या होता है भाई, एज मेजर प्रोडक्ट होता है, क्या होता है हमारा, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट होता है। कंडीशंस किसमें, लेकिन कौन सी वाली कंडीशन में, एसिड कैटालिसिस कंडीशंस में। कंडीशंस देखो दोस्तों, अगर वहां पे आ गया क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है, और क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आ गया तो हम लोग कहां से जाती है रिएक्शन हमारी, हॉफमैन से जाएंगी, वहां पे हम लोग लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड वाले को प्रिफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिया है क्या, नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है उसने अल्कोहल से कार्बोकेटाइन बना लिया हमने। अब जो अल्किन बनेगा हमारा वो बनना चाहिए भाई मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स, ये वाला मेरा मिलेगा मेजर और ये मिलेगा हमारा माइनर। क्लियर हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया। अब ये भी कह सकते हैं, ये जो मिला है मुझे, ये मिला है मुझे सिटजेफ से, ठीक है, ये जो मिला है मुझे ये सिटजेफ रूल्स के अकॉर्डिंग मिला है, क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब लोग चलते हैं हम लोग इस वाले की ओर, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों ये वाला, अब ये जो दिया हुआ है हमें, अब यहाँ पे अल्किन तो एक ही मिलने वाला है मेरे भाई, अल्किन तो एक ही मिलेगा, कौन सा वाला मिलेगा, एक ही कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मेशन होने की, यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड का और मोर सब्स्टिट्यूटेड का कोई चांसेस नहीं है। तो इस वाले जो एग्जांपल्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूं OH PH, ये अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होंगी, पहले तो क्या मिलने वाला है, कार्बोकेटाइन मिलेगा, क्यों मिल रहा है कार्बोकेटाइन, क्यों मिल रहा है, क्योंकि बेंजाइल लिखे, यानी रिएक्शन किससे जाएंगी, फिर E1 से जाएंगी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों दो पॉसिबिलिटी होती है, आप तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है भाई, एक ही बीटा कार्बन है, फिर आप दो पॉसिबिलिटी किस तरह बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो अल्किन मिलता है दोस्तों वो दो टाइप का मिलता है, ये कौन सा हो गया भाई, ये ई हो गया, और जो दूसरा वाला मिलेगा हमें वो कैसा मिलेगा, सही कहा, जेड मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, वो जेड मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस वाले को क्या कहते हैं हम लोग, स्टेरियो आइसोमर्स, एक ई होता है और एक जेड होता है, तो ये कौन से वाले का एग्जांपल है भाई, ये स्टेरियो आइसोमर्स का, याद रखो दोस्तों, क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल में पूछ सकता है, ये ऑप्शन ये एक देगा और ये देगा और पूछेगा ये कौन से वाले आइसोमर्स को बिलोंग करता है, रेजियो है या स्टेरियो है, ठीक है, ये कौन से वाले आइसोमर्स को बिलोंग करता है, रेजियो है या स्टेरियो है। तो ये जो होता है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स का एग्जांपल है, और ये जो होता है भाई ये रेजियो आइसोमर्स, यानी सेलेक्टिविटी, रेजियो किसे कहते हैं हम लोग, सेलेक्टिविटी, हमें सेलेक्ट करना होता है दो चीजों में से, एक चीज हमें सेलेक्ट करना होता है उसे हम लोग रेजियो सेलेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है।
अब ये मिला, अब इसमें से मेजर और माइनर कौन सा है भाई, अब कंफ्यूजन। तो यहाँ पे किल्डन ने क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू किल्डन, किल्डन कहता है ये जो ई एल्किन होगा ये मेजर होगा, ये जो ई एल्किन होगा ये मेजर होगा, और ये जो जेड एल्किन होगा ये माइनर होगा। लेकिन क्यों भाई, हमें कंसेप्ट डिस्कस करना है, क्यों होगा मेजर? तो किल्डन ने क्या कहा है हमें, इसका जब हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखे, ठीक है, तो जो ई एल्किन है ये हमें मिलता है लेस एनर्जी के ऊपर, ये कैसा मिलता है हमें लेस एनर्जी पे, ये फॉर्मेशन हो जाएगा ई वाला, पर इसको हाई एनर्जी लगती है दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेंगी, ठीक है, जैसा आपको ऊपर पिक्चर दिख रही है ये हाई एनर्जी, इसको हाई एनर्जी लगती है, जिसके वजह से ये हो जाएगा हमारा लेस स्टेबल, ये क्या हो जाएगा लेस स्टेबल, और ये हो जाएगा मोर स्टेबल। एक ये कंसेप्ट से अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, या फिर दूसरा वाला कंसेप्ट, ठीक है, दूसरा वाला कंसेप्ट भी है जो कि कहा गया है कैरिसन वर्क के अंदर, कैरिसन वर्क जो हमारी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें क्या कहा है उसने, क्या ये जो पीएच है आपका और ये जो मिथाइल है दोस्तों, ये कैसा एक दूसरे के ट्रांस में है, ट्रांस में होने की वजह से ई के अंदर हमारे पास लेस रिपल्शन होता है या लेस स्टेरियो क्राउडिंग होती है, जिसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट जो होता है ये स्टेबल होगा और मेजर होगा। क्लियर हो गया? और यहाँ पे पीएच और एमई दोनों ही रिपेल करेंगे आपस में, जिसकी वजह से ये क्या हो गया मेरा लेस स्टेबल, और इसे कहूंगा मैं माइनर। इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे किल्डन ने क्या दिया है हम वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट किल्डन का कंसेप्ट है ई1 रिएक्शंस कैन बी रेजियो सेलेक्टिव। अभी हमने एग्जांपल्स में देखे प्रीवियस के ही, क्या रेजियो सेलेक्टिव कब आता है, जब दो पॉसिबिलिटी होती है, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स की और एक मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स की। अब ये जो दिया है हमें एग्जांपल्स दिया है, एक ही एग्जांपल्स दिया है दोस्तों किल्डन ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है भाई, कितने है इसके पास बीटा कार्बन है, कितने है बीटा कार्बन यहाँ पे, अब देखो ये हो गया मेरा अल्फा वाला, ये एक बीटा हो गया और ये दूसरा वाला बीटा हो गया। तो ये बीटा कैसे है दोस्तों, हमने स्टार्ट में ही देखे थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में, अगर अनसिमेट्रिकल बीटा हाइड्रोजन होंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हॉफमैन और सिट्ज़ेफ रूल लगाते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें पता है, अगर एसिडिक कंडीशन होंगी हमारे पास तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है कैसा मिलता है हमें, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, साइड अल्किन हमारा एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है, मेजर होता है, और वो क्या होता है भाई, स्टेबल। अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया, तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, आपको मिलेगा क्या दोस्तों, अब ये जो पहली कंडीशंस में जब रिएक्शन होने वाली है आपकी, मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे कार्बोकैटायन बता रहा हूँ, ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया मेरा, ठीक है, रिएक्शन कहाँ से जा रही है भाई, E1 से, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है। अब यहाँ पे एक और इसने एक्सप्लेन किया किल्डन ने, जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड जो अल्किन मिलेगा ये वाला हाइड्रोजन का, ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं भाई ये जो मिलेगा हमें, तो ये फास्ट मिल जाएगा, जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा गया इसका भी, ठीक है, तो क्या बताया, क्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये लेस एनर्जी पे मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा, ये फास्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये फास्ट ऑब्जर्व, ये जल्दी मिल रहा है हमें, या फिर फास्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसा किल्डन ने बताया है, ठीक है। और जो मिलेगा हमारा इस वाले साइट का हाइड्रोजन अगर गया बीटा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट का दोस्तों, तो ये हमें मिलता है स्लोली, ये फास्ट मिल रहा है और ये फास्ट ऑब्जर्व यानी जल्दी से मिल रहा है हमें, और ये जो मिलता है भाई मेरे, ये कैसा मिलेगा हमें किल्डन ने, ये मोर स्लोली मिल रहा है भाई, कैसा मिल रहा है ये, मोर स्लोली मिल रहा है, और ये मिल रहा है हमें फास्ट, फास्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो आप ये कंसेप्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं इसमें, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन हमारा क्यों होगा मेजर, क्योंकि वो इजीली से मिल जाएगा, एनर्जी कम लगेंगी, ठीक है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन होगा हमारा वो जल्दी से नहीं मिलता है, उसकी एनर्जी भी
ज्यादा लगती है। लेकिन दोस्तों अगर क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट आ गया तो हम लोग वहां पे लेस बनाएंगे, याद रखो ये, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो था E1 का क्लेडन के अंदर जितना दिया हुआ था हमने E1 ले लिया, ठीक है। जो अगला कंसेप्ट है अब वो E2 के ऊपर आने वाला है, तो हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो से हम उसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने अभी E1 देख लिए, नहीं तो E1 E2 मिक्स हो जाएगा दोनों भी, ठीक है। तो अभी E1 का आज हमारा तकरीबन क्लेडन का खत्म हो गया, अब हमारा जो चलेगा नेक्स्ट वीडियो आएगा E2 के ऊपर। E2 के ऊपर हम लोग बहुत ही सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि CH और लिविंग ग्रुप ट्रांस चाहिए, एलिफेटिक कंपाउंड्स में वो डिस्कस करने वाले हैं, साइक्लोहेक्सेन्स के अंदर 1,2-dihexyl वाला कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम लोग लेने वाले हमारा E1 CB रिएक्शन, ठीक है।